गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लास स्टडी विद राकेश सर। मैं राकेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, टुडे आई विल डिस्कस विद यू एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए मैं आपको पहले समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या करता है। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग इट। अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle using pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73 guys. Okay, कहता है कि एक कोर्ड जो है सर्कल का जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है या सेंटर पर एंगल 60 डिग्री बनाता है, और आपको फाइंड करना है जो कोरस्पोंडिंग माइनर यानी कि जो माइनर सेगमेंट्स है और मेजर सेगमेंट्स है उसका एरिया फाइंड करना है। पाई यूज करना है 3.14 और रूट 3 यूज करना है गाइस 1.73। ओके, तो आइए मैं फिगर बना देता हूँ। देखिए फिगर के द्वारा समझिए, ये फिगर है। कहता है एक सर्कल आपको गिवन है और इस सर्कल में सपोज दैट ये सेंटर है और इस सेंटर से एक सेक्टर बन रहा है और सेक्टर में ये कोर्ड है और ये कोर्ड से ये सेगमेंट बन रहा है, ये माइनर सेगमेंट है और इस लाइन यानी इस कोर्ड के इस तरफ माइनर सेगमेंट है और इस कोर्ड के इस तरफ मेजर सेगमेंट है। तो आपको ये मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, ये पूरा फाइंड आउट करना है और साथ साथ ये माइनर सेगमेंट भी फाइंड आउट करना है, यानी दोनों सेगमेंट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इस तरह समझिए, अगर ये सर्कल है और यहाँ पर एक सेगमेंट बना दिया जाए तो ये माइनर सेगमेंट हुआ, जबकि ये जो पार्ट है ये मेजर सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट होता है गाइस, और ये जो पार्ट है आपका ये होता है माइनर सेगमेंट। ओके, तो ये आपको दोनों फाइंड आउट करना रहता है। इसके लिए आपको पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट आ जाएगा, और एरिया ऑफ सर्कल में से आप जब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, तीन चीज़ फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए थीटा जो आपका दे रखा है वो 60 डिग्री है गाइस, ये 60 डिग्री है और जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। ओके, रेडियस इज हेयर 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 60 डिग्री। यहाँ देखिए मैं इस एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको एक परपेंडिकुलर लेना होगा। ओके, ये सेंटर ओ हो गया, ए बी कोड हो गया और ए बी पर परपेंडिकुलर ओ डी लेना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉन परपेंडिकुलर ओ डी अपॉन ए बी, ओ डी परपेंडिकुलर ए बी। ओके गाइस, ओ डी बाइसेक्ट द एंगल ए ओ बी, दैट मीन्स एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड ऑल्सो बी ओ डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट हमें ओ डी फाइंड करना पड़ेगा और ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, इसके लिए यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा और उसके हेल्प से हमें फाइंड करना होगा ओ डी एंड ए बी। ओके गाइज, तो फर्स्ट सॉल्यूशन लीजिए, फर्स्ट वी टेक सॉल्यूशन एंड हेयर गिवन इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गाइज। ओके, इन ट्राइंगल ए ओ डी cos 30 degree इज इक्वल टू बी अपॉन एच गाइज। ओके, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू एंड बी बेस इज इक्वल टू ओ डी एंड एच इज इक्वल टू ओ ए और रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू ओ डी इज नॉट गिवन हियर, ओ इज 15 सेंटीमीटर, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई देन वी गेट ओ डी इज इक्वल टू 15 रूट 3 अपॉन 2, इट इज आवर हाइट ऑफ ट्राइंगल। ओके गाइज, नाउ अगेन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन एच, दैट मीन्स ए डी अपॉन ए ओ, द साइड इन फ्रंट ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर
ओके गाइज, दैट्स वाई ए डी इज पी एंड ओ इज हाइपोटेनस. नाउ साइन 30 डिग्री इज 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए डी. ए डी इज नॉट गिवन एंड ए ओ इज 15 सेंटीमीटर गाइज. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई देन वी गेट ए डी इज इक्वल टू 15 अपॉन 2. So AB is equal to 2 upon AD. Why? Because perpendicular bisect the chord. Perpendicular drawn from the center on the chord, it bisects in equal parts. Okay guys, that's why AB is equal to 2 multiply AD. The 2 multiply 15 upon 2. 2 cancel is equal to 15 centimeter. That means AB is equal to 15 centimeter. Okay guys, triangle. Area of triangle is equal to 1 upon 2 into B into S, that is base into height guys. 1 upon 2 multiply B is equal to base is equal to 15 and height is equal to 15 root 3 upon 2. That means guys 15 multiply 15 to 5 root 3 upon 4 guys. Okay, now putting the value of root 3 is 1.73, then we get 5 multiply 1.73 upon 4 is equal to, now we have to multiply 1.73 multiply 2 to 5, we get 389.25 upon 4 centimeter square is area of triangle. Okay guys, now area of sector is equal to theta upon 360 multiply pi r square guys. Okay, theta is 60, 360 multiply pi is 3.14 multiply r is 15. 00 cancels, 66 is 36. Now 32 is 6, 35 is 15, 21 is 2, 21 is 25 is 27 is 1.57. okay guys, now we get 1.57 multiply 5 multiply 15. Okay guys, now we have to multiply this, we get 117.75 guys. Okay, centimeter square. Now area of circle pi r square, 3.14 multiply 15 multiply 15. We have to multiply 3.14 multiply 15 multiply 15 is equal to, now we get 706.50 centimeter square guys. Okay, now area of minor segment is equal to area of sector minus area of triangle guys, equal to area of sector is equal to 117.75 centimeter square, see in your solution guys, minus area of triangle is equal to 389.25 upon 4, it is subtracted, then we get 4 1 is 4 minus 389.25 upon 4, now it is subtracted, then we get 81.75 upon 4, it is divided by 4, then we get area of minor segment is equal to 20.4375 centimeter square. It is the area of minor segment guys. Now we have to find the area of major segment, that means area of major segment is equal to guys area of circle minus area of minor segment guys, that means area of circle we have 706.50 centimeter square minus 24375 centimeter square guys. Okay, we have to first subtract here, that means 686.0625 centimeter square. In this way guys, I had solved these questions and I hope that I made you understand very well.
So that I request all of you, please subscribe my channel, like and share in your friends, guys. Thank you very much for watching my channel.